हाल है मेरे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी घर पहुंच चुकी हूं और रोज़ की रूटीन की तरह इस टाइम लाइट नहीं है घर पे, तो चले मैं अभी अपने लिए एक कप चाय बना रही हूं, तो देखते हैं चले। ये मुश्किल बात है, एक कप चाय बनाना भी बहुत मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी पीनी तो पड़ेगी क्योंकि मुझे तो चाय बड़ी पसंद है। तो इस वक्त मैं अपने लिए एक कप ज़बरदस्त गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ, और अगर आप सबको भी पीनी है, शामिल होना है, तो आ जाइए, आप इस चाय में शामिल हो जाइए। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। इस वक्त चाय तैयार हो चुकी है बिल्कुल, और मैंने जो है ना आटा डाल दिया है थाल में। मैं इस टाइम आटा गूंद रही हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं जाके आगे रोटी बना। तो अंधेरा है, बहुत गुमसुम है, बहुत खौफ सा लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इस टाइम पर मैं घर पर अकेली हूँ, बच्चे नहीं हैं, बच्चे घूमने के लिए गए हैं। और चले जी, तो मैं जब तक आटा गूंथ लेती हूँ, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं। बहन भाई, आप देख सकते हैं कि साथ में एक उदम मचा दी है, ये देख सकते हैं आप। अभी रोटी मैं किस तरह बनाऊँगी, सारा किचन मेरा टपक रहा है, और ये भी आप देख सकते हैं कि पानी मुझे हाथों से निकालना पड़ेगा। तो बरसात में तो इतना उदम अभी से मचा दिया, आगे चल के क्या होगा। ये बारिश का हाल चल रहा है, आप देख सकते हैं ये पानी, और ये चूल्हा फुल भर चुका है, ये आप देखें। अरे बहन भाई, आप देख सकते हैं बरसात ने मेरा क्या रेड़ लगा दी, और ये अभी मैं पानी निकाल रही हूँ, ये पूरी गैलरी भर चुकी है पानी से, ये देख सकते हैं आप। तो पराए कामों के बाद फिर आके घर में शुक्र करो पानी निकालने का। प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खरीत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इस वक्त तमाम मेरा घर फैला हुआ है, जो कि रात को बरसात हुई थी बरसात की वजह से। और अभी मैं जल्दी जल्दी अपना काम काज समेटूंगी, और आज मेरी ऑफ़ नहीं है, तो उसके बाद मैं काम पे नहीं। मैं काफ़ी थक चुकी हूँ उस टाइम, क्योंकि लाइट भी नहीं है, गर्मी भी शदीद हो रही है, और बारिश का भी इम्कान दोबारा से नज़र आ रहा है। लेकिन अगर बारिश हो गई तो मुझे तो लगता है कि मेरा घर पूरा सैलाब दरिया बन जाएगा। तो आप सबका क्या ख्याल है इस बारे में। चले जी, पहुँचा तो मेरा हो गया है। भाई चले जी, अभी मैं ये पड़ोस वालों को पानी पिलाने का पाइप लगा दूँगी। आप देख सकते हैं हमारे घर में मोटर है, और तमाम जितने भी यहाँ के मोहल्ले वाले उन सबको पानी का पाइप मैं ही लगा के देती हूँ। तो इस वक्त मैंने इनको पाइप लगा दिया है, बस यहाँ से भी ज्वाइंट हो चुका है, और अभी बस लाइट नहीं है, जैसे लाइट आएगी तो पानी इंशाल्लाह भर जाएगा। तो और आप सब सुनाए, आप सबको बारिश में बहुत मज़ा आया या नहीं, क्योंकि मुझे तो बारिश से बहुत डर लगता है। और मज़े की बात पता है क्या है, घर में इत्तेफाक जब बारिश हो रही थी तो घर में कोई भी नहीं था, और मैं पूरी खपखपा रही थी। मेरा जो एक बेटा है ना, मुझे बड़ा तंग करके रखता है, और वो पता है कौन है, वो शायान है। जैसे घर में एंट्री करता है, पूरा घर मेरे लिए फैला के रख देता है, बहुत ज़्यादा मजा आता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है मुझे। इस वक्त तो निकल चुका है दुकान पे, और अभी मैं बाकी का काम समेटती हूँ, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक। ये आप देख सकते हैं बारिश की वजह से कोना कोना भर चुका है घर का, तो अभी उसको समेटने में तो वक्त लगेगा। और आप सब सुनाएं, आप सबकी सुबह हो गई, आप तकरीबन उठ चुके हैं। अच्छा, असल में मेरी बहुत मज़े की आदत है, जैसे ही मैं सुबह में उठ जाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी नमाज़ अदा करती हूँ, उसके बाद मैं कुरान वगैरह पढ़ती हूँ, और फिर उसके बाद जो भी मुझे काम काज करने होते हैं फिर मैं वो निपटा लेती हूँ। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि टाइम क्या हो रहा है, कि आप सबको नज़र आ रहा है टाइम, 9:30 हो गया है, और मेरे पास टोटल 1 घंटा बचा है। 1 घंटे में मुझे सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेने हैं, और उसके बाद फिर मुझे निकल जाना है काम पे। तो अब आप देख सकते हैं कि बरसात की वजह से घर मेरा पूरा उल्टा पड़ा हुआ है, अब जाहिर सी बात है इसको ठीक करने में वक्त तो लगेगा ही। तो अभी मुझे ये सारा समेट लेना है जो आप देख सकते हैं, और ये भी गंदे बर्तन काफ़ी जमा हो गए हैं जिसमें बरसात का पानी गिरा था, जिसकी बदौलत मुझे दोबारा से सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो ये देखें आप, यहाँ से भी सारी चीज़ें मेरी गिली हो चुकी हैं। भाइयों, आप देख सकते हैं कि किचन मेरा सारा ओके हो चुका है, और आप लोगों को एक छोटी सी खुशखबरी देती चलूँ। पता है क्या हुआ है मेरे साथ अचानक सा, तो अगर आप लोग सबका है तो मैं बता दूँ क्या। चले मैं बताती हूँ। तो वो रास की बात ये है कि अभी अभी मेरे पास काम से आंटी की कॉल आई थी, और उन्होंने कहा कि आज आप ऑफ कर लें, तो हुई ना मजा ली है। तो चले अभी तो उस टाइम किचन मेरा फाइनल हो चुका है बिल्कुल, और अभी तकरीबन कमरा रह गया है, कमरे की चीज़ें अगर मैंने समेट ली हैं, और अभी सिर्फ मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। जिस तरह आप देख सकते हैं ये गैलरी है, और ये गैलरी का हाल है जहाँ से रात को मैं पानी निकाल रही थी। ठीक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक। देख सकते हैं शायान के जूतों का हाल, तकरीबन ये ईद के जूते हैं, तो इसने बाहर रख दिए थे जिसकी वजह से बारिश हुई और जूते सारे ख़राब हो गए। प्यारे बहन भाई, आप सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी आप सब देख रहे हैं, आप जो है मेरे लिए सब्सक्राइब करें, और जो है मेरा साथ दें। इस वक्त मुझे तमाम बहन भाइयों की सख्त सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये मैं इस वक्त घर भी साफ कर रही हूँ, तो और मेरे हक में दुआ भी करें कि जितना हो सके जल्दी अल्लाह पाक मेरी इस घर से जान छोड़वाए, क्योंकि ये घर मेरा किराए का है, लेकिन बहुत तकलीफ दे है, बहुत परेशानी होती है मुझे इस वजह से। हालांकि मालिक को बोल बोल के थक गई कि मुझे थोड़ा सा सुख सहूलत करके दे, लेकिन नहीं, वो भी इनकार कर बैठा है। तो बस आप सब बहन भाइयों से यही दुआ है कि जितना जल्द हो सके बस मेरा ये मसला हल हो जाए, आप सभी मेरे हक में दुआ करें। अब हम निकालते हैं गैलरी का जो बचा कुचा हुआ है पानी, और उसके बाद यहाँ पहुँचे लगा के फाइनल कर देते हैं। चलिए जी, हम जब तक कमरे की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेरा तमाम काम खत्म हो जाएगा। कमरे की सफाई के बाद मुझे पोछा लगाना पड़ेगा, और उसके बाद वाशरूम धो के मेरा काम फिनिश। तो फिर इंशाल्लाह
मैं थोड़ी देर बैठ के रहे मोबाइल का हाल। रात को असल में लाइट नहीं थी मोबाइल लगाने के लिए, मैं जैसी हुई तो मेरे हाथ से मोबाइल बिल्कुल गिरने के बाद आप सब जानते हैं कि कहाँ गायब हो गया है, पानी में चला गया। और पानी में जाने के बाद मोबाइल मेरा बिल्कुल अलग अलग हो गया है। आप देख सकते हैं इस टाइम भी किसकी हालत जो है काफ़ी ख़राब है। हालांकि मैं अब तक इस पर 1500 रुपये लगा चुकी हूँ। और ये है जो आदि है हर वक्त पैसे खाने का, तो इस वक्त भी मोबाइल मेरा काम नहीं कर रहा है। मैं इसके लिए काफ़ी परेशान हूँ। अब इंशाल्लाह निकलूँगी संडे, दुआ करें अगर कोई दुकान खुली होगी तो मोबाइल भी मुझे बनाना है। चलो जी अब सैन के लिए आते हैं, बस थोड़ा सा पोचा सैन में लगा देते हैं ताकि जगह खुश हो जाए। तो ज़िंदगी बड़ी दुख देती है मेरे भाइयों, लेकिन यकीन माने कि अल्लाह की ज़ात जो है ना वो किसी को भी बिल्कुल नहीं छोड़ता है। अल्लाह के साथ बेशक सबके साथ है, सब कुछ देखने वाली ज़ात है। ये इंसान होते हैं जो इंसानों को गिरा देते हैं, फेंक देते हैं, रुसवा कर देते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत हक हो गई है। ठीक है, ये भी बिल्कुल ओके हो गया, फाइनल हो गया, जिसकी बदौलत दोबारा जब बारिश होगी तो हर चीज़ को बहुत खुद ही नहा लेगी फिर। और ये कमरा है, इसको भी मैंने बिल्कुल फाइनल कर दिया है, आप देख सकते हैं कुछ वगैरह लग गया है। और ये गैलरी है जो कि ये भी साफ़ सुथरी हो चुकी है, खुश कर दिया है, पानी था वो मैंने निकाल नहीं है। प्यारे बहन भाइयों, ये एक ड्रेस मुझे साफ मिला है जिसको मजबूरी मुझे पहनना पड़ेगा क्योंकि लाइट तो है नहीं, लाइट आने में टाइम। बारिश में किधर गए थे? हमारा घर तो पूरा भर गया था पानी से, आप तो यहाँ पे के घर थे। और क्या क्या किया बारिश में? खाई थी? नहीं खाई। अभी कौन सी चाय पी रही हो, सुबह की शाम की? सुबह की, अभी सुबह हुई है। नमाज पढ़ी? क्यों सबक पढ़ा? नवाब हो गए हो क्या फिर? कुछ नहीं पढ़ा। नवाब बोले उमर हो? उमर हो तो कायदा क्यों नहीं पड़ा? हरकत है नवाब वाली, डंडा उठाऊं? हाँ देख सकते हैं कि मैं निकल चुकी हूँ वीडियो अपलोड करवाने के।